Hi, today we are going to learn three address code, and three address code is a generic form and can be implemented as quadruple, triple, indirect triples, tree or direct acyclic graph. So अगर ये एक expression है तो इसका three address code अगर हमें find करना है three address code तो एक हमने वेरिएबल लिया टेम्परेरी वेरिएबल टी वन, तो थ्री एड्रेस कोड में मैक्सिमम थ्री एड्रेस ऑफ एलोकेट कर सकते हैं. तो हमने जैसे बी मल्टीप्लाई बाई सी इसको इवेलुएट किया, इसको हमने टी वन से रिप्लेस कर दिया. अब ये टी वन जो है हम ए को ऐड कर सकते हैं, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं जो ए प्लस टी वन को ऐड करेगा, और वेरिएबल क्या है टी टू. और फिर अब ये ऐड हो गया, इसके बाद हम जो है इसको इवेलुएट कर लेते हैं. तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं बी मल्टीप्लाई बाय सी, के लिए एक वेरिएबल टी थ्री, और ये टी थ्री जो है ये डी से डिविजिबल, मतलब डी को डिवाइड करेगा. तो डी को डिवाइड करने के समय आप क्या लिखेंगे, डी डिवाइड बाय टी थ्री, और इसके लिए एक न्यू वेरिएबल टी फोर, और फिर एक लास्ट में एक वेरिएबल आप लिखेंगे टी फाइव, और वो क्या करेगा टी टू मल्टी माइनस टी फोर. ठीक है, तो टी टू आपका ये वाला पार्ट था और माइनस टी फोर आपका ये वाला पार्ट है. तो ये आपका थ्री एड्रेस कोड जनरेट हो गया इस स्टेटमेंट के लिए. अब थ्री एड्रेस कोड इज अ जेनरिक फॉर्म ऑफ जेनिक फॉर्म आई कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज क्वाड्रपल. तो क्वाड्रपल में भी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है. तो क्वाड्रपल में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है कि आपके पास फोर फील्ड होने चाहिए, एक तो ऑपरेटर, फिर आर्गुमेंट वन, आर्गुमेंट टू और रिजल्ट. जैसे इस एक्सप्रेशन में देखो ये एक आर्गुमेंट है, ये एक आर्गुमेंट है और ये एक ऑपरेटर है. इसका कैलकुलेशन के बाद इसको एक रिजल्ट एलोकेट किया गया है. तो इसी थ्री एड्रेस कोड को अगर हम क्वाड्रपल में रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट के लिए ऑपरेटर क्या यूज हुआ है, मल्टीप्लीकेशन का, और फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है आपका बी, सेकेंड आर्गुमेंट आपने क्या यूज किया है सी, और रिजल्ट किसमें स्टोर हुआ है टी वन. ठीक है, ऐसे ही सेकेंड में आप देखें तो आपने ऑपरेटर क्या यूज किया है प्लस, फर्स्ट आर्गुमेंट आपका है ए, सेकेंड आर्गुमेंट आपका टी वन, और रिजल्ट किसमें स्टोर है टी टू. ऐसे भी थर्ड में आपने मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर यूज किया, फर्स्ट ऑफ जो आर्गुमेंट है बी, सेकेंड सी, एंड स्टोर किस में किया टी थ्री. फिर इसके लिए डिवीजन, और फर्स्ट आर्गुमेंट आपका क्या है डी, सेकेंड टी थ्री, और स्टोर किस में किया है टी फोर, और लास्ट आपने क्या किया है टी फाइव. तो T5 के लिए आपने माइनस ऑपरेटर यूज किया, फर्स्ट आर्गुमेंट T2, फिर T4, और ये किसको एलोकेट किया T5 को. तो ये आपका क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन है. इस क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन में कुछ एक्सेप्शन है जिसको आपको कैसे हैंडल करना है. जैसे यूनरी ऑपरेटर आ गया x इक्वल टू माइनस वाई, तो इसमें आप जो है आर्गुमेंट टू यूज नहीं करेंगे. तो x इक्वल टू माइनस वाई के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, माइनस एज ए ऑपरेटर. ठीक है, और आपका आर्गुमेंट वन क्या होगा y, और रिजल्ट किसमें स्टोर होगा x, और ये वाला पार्ट ब्लैंक रहेगा. तो ऐसे एक्सेप्शन को इस तरीके से हैंडल करेंगे. तो ऑपरेटर लाइक परम यूज नाइदर आर्गुमेंट टू नॉर रिजल्ट, और कंडीशनल एंड अनकंडीशनल अगर आपका जो है जंप पुट द टारगेट लेबल इन रिजल्ट, तो जैसे ही जो जंप रहेगा तो टारगेट लेबल जो है आप रिजल्ट में लिख लोगे. तो ये थ्री एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं इस तरीके से. अब इसी थ्री एड्रेस कोड को ट्रिपल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि जैसे इसकी इंडेक्सिंग आप हम इसे कर देते हैं जीरो वन टू थ्री एंड फोर. ठीक है, तो ट्रिपल में क्या होगा कि जो ये इंडेक्सिंग है ये यूज कर ली जाएगी. आपको वेरिएबल्स यूज, जो ये आप टेम्परेरी वेरिएबल्स आप क्रिएट कर रहे हैं उसको यूज करने की जरूरत नहीं है.
और वो आप करेंगे कैसे, ऑपरेटर से आप स्टार्ट कीजिए फर्स्ट से। तो इसमें आपने ऑपरेटर क्या किया, मल्टीप्लीकेशन। आर्गुमेंट्स आपके क्या हैं, बी और सी, ठीक है। अब रिजल्ट वाला कॉलम इसमें नहीं रहेगा ट्रिपल्स में, और उसको यूज कैसे करेंगे, फिर जब हम सेकेंड पे जाते हैं तो इसमें ऑपरेटर आपने क्या यूज किया, प्लस, और आर्गुमेंट फर्स्ट क्या है, ए, और सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, टी वन, और टी वन किस इंडेक्स पे था, जीरो पे, तो हम यहां सिंपल क्या मेंशन कर देंगे, जीरो, ठीक है। तो इसके इट्स मीन क्या है कि आप जीरो इंडेक्स पे जो आपकी वैल्यू है उसको यहां मेंशन करना है। अब जब सेकेंड पे गए, इस पे आपको क्या ऑपरेटर मिला, मल्टीप्लीकेशन, और फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है आपका, बी, और सेकेंड सी, ठीक है। तो जहां टेम्परेरी वेरिएबल्स आएंगे जो रिजल्ट में स्टोर हुए थे उसको हम यहां इंडेक्सिंग से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर थर्ड आपका क्या था, थर्ड इंडेक्सिंग पे डी डिवाइड बाई टी थ्री, तो डिवीजन ऑपरेटर, फर्स्ट डी डिवाइड बाई टी थ्री। अब टी थ्री जो है आपका कैलकुलेट कहां से हुआ था, बी मल्टीप्लाई बाय सी से, और बी मल्टीप्लाई बाय सी ये वाले से कैलकुलेट हुआ था, तो यहां हम इंडेक्सिंग मेंशन कर दे रहे हैं टू। फिर आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, और इसमें आपने ये देखा कि टी टू और टी फोर यूज है, तो टी टू किस में था, टी टू आपका यहां पे था सेकेंड रो में, तो यहां पे हम मेंशन कर दिए वन इंडेक्सिंग, और टी फोर, तो टी फोर कहां है आपका, ये वाला है, ठीक है। तो इसके लिए मेंशन कर दिया हमने थ्री। तो इस तरीके से रिजल्ट वाला सेक्शन हम रिमूव करके हम इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं ट्रिपल्स में। अब इसी एक्सप्रेशन का अगर हमें सिंटैक्स ट्री जनरेट करना है तो सिंटैक्स ट्री कैसे जनरेट होगा, मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका सिंटैक्स ट्री जनरेट होगा इस एक्सप्रेशन के लिए, ये माइनस, और उसके बाद आपका ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो बी मल्टीप्लाई बाय सी पहले हुआ, फिर ये ए से ऐड हो गया, फिर माइनस किससे होगा, बी मल्टीप्लाई बाय सी, और डी जो है डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, और उसके बाद इसका ये माइनस हो गया, तो ये सिंटैक्स ट्री जनरेट हुआ। तो डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ एक यूज करते हैं थ्री एड्रेस कोड में, तो उसमें क्या करना है, ये जो रिपीटिशन है तो इसको आप लिखने के बजाय आप इसको इस वेरिएबल को साइकिल बना सकते हो, ठीक है। इस पूरे को आप जो है क्या कर सकते हो, यहां रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आप यहां से ले लो, तो इसके इक्विवेलेंट जो है डायरेक्ट एक साइक्लिक ग्राफ क्या होगा, यहां प्लस आपने किया ए मल्टीप्लाइड बाई बी एंड सी, और यहां पे क्या था, फिर डिवीजन ऑपरेटर, इसका लेफ्ट साइड आपने डी किया, ठीक है, और राइट साइड जो है वो आप यहां से ले सकते हो। सो दिस इज डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। तो इस तरीके से आप थ्री एड्रेस कोड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।